शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने इनका शुभारंभ किया। एसएमएस स्टेडियम में सीएम गहलोत ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि ओलंपिक खेल में 58,51,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ग्रामीण शहरी ओलंपिक में 7 खेलों में खिलाड़ी खेल लेंगे हिस्सा। ग्रामीण ओलंपिक में कुल 19,66,941 महिलाएं और 26,45,112 पुरुषों ने पंजीकरण कराया है। वहीं शहरी ओलंपिक में कुल 47,08,960 महिलाओं और 75,09,261 पुरुषों ने पंजीकरण करवाया है। प्रतापगढ़ में 426, जयपुर डूंगरपुर 433, बांसवाड़ा 437, चित्तौड़गढ़ 418। आपको ये तस्वीरें हम दिखाने, दरअसल माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ की, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर खेलों की ये तस्वीर देखने को मिली, अलग अलग अंदाज देखने को मिला, खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए देखने को मिले। और जो नंबर हमने बताया, आपके नंबर में एक बार फिर से सुधार कर दें, शहरी ओलंपिक में 47,08,960 महिलाएं और पुरुषों में 75,09,261, और वहीं ग्रामीण ओलंपिक की अगर बात करें तो 19,66,941 महिलाएं और 26,45,112 पुरुष जिन्होंने पंजीकरण कराया है। न केवल देश का बल्कि प्रदेश का नाम, पिछली बार लगभग 30 लाख लोग थे, इस बार 7 लाख लोग हैं, पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं 7 लाख लोगों का पंजीकरण, चेहरे से नीचे रखो, और 40% महिला उसके अंदर है। जितना माहौल शानदार बन रहा राजस्थान के अंदर, आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज आपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था, हमारे मंत्रीगणों ने भी भाग लिया कबड्डी मैच के अंदर। एक पूरे माहौल को हम चाहते चेंज करें राजस्थान के अंदर, जहां प्रेम, सद्भावना, भाईचारा हो आपस के अंदर। अलवर से खबर।